एक भैन दी फेसबुक ते लाइव होके उन्होंने गल की, मैं कहना मेरे आंसू निकल भाभी। वो तो नौजवान ड्रग दे विच जां गैंग वॉर च रोज़ मर रहे हैं, रोज़ वो ये चीज़ां च बदनाम हो रहे हैं। फिर रोल शुरू हुंदा सब तो माड़े बंदियां दा। फिर मैं मानता लिविंग रिलेशन उत्थे दे कानून बहुत होर तरह के कानून ने, बड़े कमजोर कानून। कमल जी, तुसी बड़े दिनों तो बहुत वीडियो वायरल्स हो रही है, बहुत उत्थे जिहड़े उरे लोग पंजाब दे विच ने उन्हां नूं गल्लां मिल रही है सुणन नूं, ते साडियां बहुत जिहड़ियां चिंतित साडियां भैणां ने भरा ने वह लाइव होकर लगातार उत्थों गल्लां कर रहे हैं। जिहड़ी कनेडा की मैं गल करा, उत्थे हो की रहा खास तौर पर, मतलब मेरे परसों जदों मैं एक भैन दी फेसबुक ते लाइव होके उन्होंने गल की, मैं कहना मेरे आंसू निकल आए। मैं क्या ये कम साढ़े पंजाबियों कदे मुगल राज वेले, चाहे ब्रिटिशर किन्ने भी साढ़े ते राज रहे, पर यह चीज़ां नहीं हुई। मैं इन्ना मेरा मन भरिया ते मैं क्या भी मैं जिन्ना का अपना रोल अदा कर सकता मैं जरूर करांगा, चाहे ये मैं किसी भी प्लेटफॉर्म ते मैनू गल करनी पवे। कमल, हो की रहा अज तक साडियां पहलियां जनरेशन्स गईयां है, साडियां इंग्लैंड गईयां ने, यूरोप च गईयां है, अच खोटे फिजी अर्गे मलेशिया अर्गे कंट्रीज़ च बड़ा चिर पहला, क्योंकि साढ़े लोग उस वेले ब्रिटिश उहदा राज सी, साम्राज्य सी, उहदे विच साढ़े लोग आम तौर पर जिथे जिथे उन्हों का राज सी गोरियां दा उत्थे वो लोग गए। पर उदों बाद असी अमेरिका ते कनेडा च, कनेडा जी का खास मैं गल करा, जिथे अज एक होड़ लगी आ साढ़े पंजाब दे विच, जे किसी दा बच्चा कनेडा चला गया तो वह समझदा मेरी मुछ उच्ची हो गई, ते सारे नाल दे सरीके वाले नाल दे ये सोचते हैं भी असी भी किस तरीके ना अपने बच्चे नूं बाहर भेजना, उहदे लई चाहे कुछ भी करना पवे। चलो एक गल, मैं ये बड़ा मतलब मैनू ये औखा लग रहा ये गल्लां कहणियां, मेरे ते एक बड़ा मैं भार रख के ये गल्लां कह रहा। मैं सब तो पहला तो उत्थे दे, क्योंकि जिम्मेवारी किहदी हुंदी आ, जिवें अज असीं खुश हुंदे आ भी साडे देश दे लोकां ने इंग्लैंड वर्गे जिन्हें साढ़े ते राज कीता, अज साडा बंदा राज कर रहा उत्थे दा प्राइम मिनिस्टर आ, ते कनेडा दे विच तां खास तौर पर कनेडा दे विच साढ़े सारे मैंबर पार्लीमेंट तकरीबन बहुत वड्डी गिणती च उत्थे एम पी बने, बहुत लंबे टाइम तो एम पी बनते आ रहे हैं, बहुता नूं तो बहुत वारी बहुत कई कई टर्म हो गई बनते हैं, बहुत एम एल ए बहुत काउंसलर बहुत मेयर, तो थलड़े लैवल पर जे मैं कहना बहुत, मतलब वो हर कोई काउंटी दे विच चाहे काउंसल दे विच बहुत रोल अदा कर रहे हैं। मैं सब तो पहला उन्होंने आना, अज की है गल, मैं कोई ये नहीं कहता भी मैं, मतलब ये सुन के जब हम थक गए हाँ, असी अपना पंजाब इत्थे दा ठीक आ, असी पैसे च कम करजे च जरूर डुबे हैं, कमियां है, नशा जरूर सानू साडा गवांडी देश आ जिहड़ा वो सानू पंजाब नू मार रहा। तुसीं उत्थों आ के हमेशा, मैं कह नहीं कहूँगा कदे तुसीं माड़ी नीत नाल, पर तुसीं जिन्ने भी उत्थों आ के जिन्हां ने भी उत्थे सारे गुरद्वारा साहब ते मैं बाद च आऊँगा, जिन्ने भी लीडर ने तुसीं पंजाब च आउने हो तुहानूं किन्ना माण सत्कार मिलदा है, ते तुसीं साडे बारे फिक्रमंद भी हुंदे हो, ते साडे बारे तुसीं चिंतित भी हुंदे हो, ते उरे आके अपनियां गल्लां भी कहने, उत्थे भी कहने हो, बड़ी बड़ी गल्लां पार्लीमेंट च तुसीं उत्थे असैंबलियां च करदे हो पंजाब बारे। पर मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, तुसीं कित्थे अज सुत्ते पए हो, असीं मैं फिर सख्त लफ्ज़ां च कहण लग्गिया है, जिवें तुसीं साडा, असीं जदों उत्थे जांदे आ ना, तुसीं हर साडे लीडर ते चाहे किसी पार्टी का होवे, तुसीं उत्ते सवाल चकदे हो,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋੜ ਚੱਲੀ, ਆਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ LMIA, ਇਹਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ, ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੋਬਸ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੋਬ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋਬ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਵਿਸ ਜੋਬਸ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋਬਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋਬਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਕੈਨਿਕ। ਚਲੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ LMIA ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਰੇ? $45,000 ਤੋਂ $50,000, $45,000 to $50,000 ਉਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਬ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋਬ, ਉਹ ਵੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2200-2400, ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊ ਡੋਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ LMIA ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪੰਪ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ $1500 ਜੇ ਉਹ $2200-2300 ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ, $1500 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ? ਜੇ $2200 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? $800, $2300 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ $800, $800 ਚੋਂ $1500 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ, $800 ਚੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ $1000 ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੰਜ ਸੌ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਸੌ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 300 ਦੇ ਵਿੱਚ
उन्हें ग्रॉसरी भी लियानी आ $300 च, उन्हें कोई अपनी घरे खाण नूं भी चीज़ लियानी आ, उन्हें जिहड़ी अपनी बस च किराया जाना है उहदा भी कार्ड पास बनाउणा है जिहड़ा कि $100 ते बणदा होऊ, घट्टो घट्ट 150 च बणदा, 100-150 तों उत्ते कि ग्रॉसरी है जिहड़ी घट आऊगी, उन्हें बेचारियां ने कुछ पाउणा भी आ कोई कपड़े। हुण गल की हुंदी आ उदों बाद जदों तुसीं तां उहनां नाल ठगियां 1500 लै के जदों चोरी बाप तों, बाप नहीं मां जां उहदी भैण पिछे चोरी टैलीफोन करदे आ फेसबुकां ते अजकल तां अपने आ व्हाट्सएप ते वीडियो कॉल ते भी पुत कल तेरे बापू नूं, इह मैं पिंडां दीआं गल्लां करदा शहरां दीआं, आम आदमी दी जदों उहनूं मां पुछ मां दसदी आ भी कल पुत तूं तां पैसे नहीं भेजे कोई, तेरे बापू नूं कल $45,000 दे आ, उह 50 बण गया, उहदे जदी दिमाग च मां बच्चे वह पा देंदे भी कदों पता ही नहीं लगता भी $45,000 का $90,000 कद बन जाता है। तो फिर सारे का जी करता बाहर जाके भी कोई सानू भी कोई कपड़े, कोई सानू टैलीफोन मोबाइल फोन, कोई शूज कोई जुत्तियां बाहरों भेजे, उदा भी चा हों फिर कितने जाए वह, फिर रोल शुरू हों सब तो माड़े बंद। फिर मैं मानता लिविंग रिलेशन उत्थे दे कानून बहुत होर तरह के कानून ने, बड़े कमजोर कानून ने। फिर सब तो पहला लिविंग रिलेशन का एक जिहड़ा कोड आ शुरू हुंदा उत्थे, उहदे विच सीधे जिहड़े आ नौजवान जां बंदे वीडियो आईयां देखियां ही आ उहनां तों $500 लै के उहनां नूं अपने घरां च रखदे आ। उदों बाद वह घर जो कमरा दे देंगे वह कमरे द सारे घर जोड़े रेंदे लोग ने होर उन्हों रोटियां पका बेचारिया, रोटियां तो बाद घर दफाइया कर दया 12-12 घंटे काम करके, उदू बाद मिसयूज किया जाता, मैं किड़े शब्दों ना कह, बड़ी गिणती साड़िया लड़किया धीं फुल्लां अर्गियां पालिया हुई उन्होंने उस प्रोस्टिट्यूशन वाल उस गंदे काम वाल उन्होंने धकेलिया जाता है, क्योंकि बच्चा की बच्चा तो एक फुल आ यार, उहदा तां जिहड़ा उस वेले उह बच्चे नूं जदों सट वजदी आ भी मैं मेरे बाप पिछे जदों पैसा लैके भेजिया उह रोज गुर की करन आउंदे आ, उहदा तां माइंड किते भी उस फुल दा उस बच्चे दा जिधर मर्जी ला लो, जदों उह तंग होई दुखी होई फ्रस्ट्रेट कोई राह नहीं मिलदा बाहर गया नूं पिछे जा नहीं सकदी ते उस वेले कोई सांभण वाला नहीं भेड़िए बैठे आ नोचण नूं ते की कर रहे साडे जदों ये धियां भैणां रोज देख रहे आ, वह दस दस एक रूम च रह रही है रोज उत्थे किस तरीके नाल उन्हां नूं नोचिया जा रहा है। ते फिर वह बेचारियां उस दलदल च जा रही, वह अपनियां धियां अपनियां कुड़ियां पंजाबी कनेडा 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 PR चाहीदी है, बस PR चाहीदी है। मैं मानता साडे देश च बहुत कमियां होणगियां पर कोई रोटी तो नहीं पूरे मरदा, इस काम च साडियां फुल अर्गियां साडियां जिहड़ियां कुड़ियां ए भैणां ने साडियां नौजवान मुंडे पार्कां दे विच साडियां धीआं भैणां उत्थे नशे नाल ड्रग नाल पईआं ने रोज छालां मारदियां ने, फोटो आउंदियां नदियां नहरां च कोई उहनां नूं पार्क तों कोई गड्डियां वाला किते लै के जा रिहा किते चक के नशे च कुछ कर रिहा। मैं थोनू MP जिहड़े ने MLA कदे क्यों नहीं तुसी साडी पंजाबी पीढ़ी वल सोच रहे, उत्थों तुसी आके MP MLA तां बन जाने हो कौंसलर बन जाने हो पर उन्हां बारे तुसी कोई आवाज उठाई असी नहीं माफ करांगे, जदों हुण तुसी उरे आओगे असी थोनू घेरांगे आके, आ गंदे काम च पंजाबियां नूं तुसी उत्थे जाके इस तों बचा नहीं सके। फिर रिश्वत जिन्ना साडे जदों तुसी गुरद्वारा साहब च मैं देखना वो गुरद्वारा साहब बाणी पाठ आ निजर अर्गियां की गल करते हैं होरां की गल करते हैं उत्थे जदों लोग हुण बच्चों ने जाना कित्थे आ नौजवान बच्चे ने उन्हां नूं नहीं पता 80s की होया 90s की होया, जदों गुरद्वारा साहब जाते ने उत्थे कोई उन्हां नूं बाणी बारे उन्हां नूं उस गल की मदद करन दा कोई नहीं सोचता भी इन्हां नूं चंगे पासे पाईए असीं मदद करिए जिहड़ा चढ़ावा चढ़दा गुरद्वारे उत्थे की गल्लां हुंदियां रोज की गल्लां हुंदियां उत्थे सिर्फ फलाना सिंह गुरजंट सिंह राजस्थानी जदों आया 1-1-47 उन्हें चलाती
मूहरे CRP मूहरे पुलिस पंजाब पुलिस उन्हें थले बछाती उन्हें मारती जदों कमाद चो निकलिया। मैं पूछ हैरान हाँ कहिंदे जी होर कोई गल ही नहीं हुंदी ढाडी उत्थे जांदे ने इत्थे चंगे भले हुंदे आ उत्थे उरे चार पंज टैररिस्टां दीआं पंज वड़की सी दूजा वड़की सी वह ला के उन्हां नूं बच्चियां नूं वह जहर मुंडियां नूं यह जहर नशे की तो खालिस्तान की देती वह उस च मगर ने भी साढ़े पंजाब असी तो पंजाब पता नहीं की हो रहा है रोज़ धक्का हो रहा पंजाब लोग मारे जा रहे हैं लोग कुटे जा रहे आ सारे पंजाब प्रवासी कहते हैं जी UP बिहार तो आके भर गए ऐ नहीं गा UP बिहार के प्रवासी वह भी जिमें तुसी कनेडा अमेरिका काम कर गए हो ना वह भी उरे काम कर आए वो साढ़े को रेंदे आ बड़े अगे उन्होंने तरक्की कर ली उन्होंने मेहनत कर ली। मैं ये सारियां नूं नहीं कहिंदा उन्हां वल देखो जिन्होंने आराम दे नाल जाके उत्थे काम किया मेहनत की मशक्कत की वो अज लोग बिलियनियर ने अज वो पग जिहड़ी रंग की बनते उही रोल्स रॉयस उन्होंने मूहरे खड़ी है वो लोग भी ने पर मैं अज खास तौर पर यह गल कह लगियां जिहड़े उत्थे दे MP मैंबर पार्लीमेंट झात मार लैण थोड़ी जिम्मेवारी है साडी पीढ़ी नूं बर्बाद हुंदी ये जिम्मेवारी थोड़ी है जिहड़े पोलिटिकल लोग ते जिहड़े गुरुद्वारां दे प्रधान बने हुए ने कोई कम्यूनिटी दूजी क्यों नहीं करती जी ये थोड़ा क्यों इन्ना रौला पै रहा तुसी थोनू की होया मुंडियां नूं तुसी साम नहीं रहे हो गड्डियां चक के गेड़े दिंदे फिरदे आ नशे च शराबां दीआं बोतलां लड़ाइयां झगड़े ग्रुपां च हो रहे आ चंगा लगदा सी यार भी एक नवां पंजाब उत्थे बन गया तुसी आ की करन लगे होए हो साडियां धीआं भैणां दीआं ओपन वो गल्लां करदियां ए ओपन आके ये गल्लां कहिंदियां उन्हां नूं साडी जिम्मेवारी आ हजे भी मौका है सांभ लो नहीं दुश्मन साडी इज्जत ते पै गया है दुश्मन साडियां धीआं भैणां वल पै गया है बहुत डूंगी साजिश आ तुसी इस गल चो हजे भी मौका है असी इत्थे बैठे जदों तुसी सानू नसीहतां दिंदे सी ना असी उह थोड़ी गल सुणदे भी सी मनदे सी हुण इक साडी भी सुण लो हथ जोड़ के साडी धीआं भैणां दी इज्जत ते उन्हां नूं आ कम तों बचा लो बाकी सब कुछ कोई कम नहीं ट्रक करना चलाना 24 घंटे टैक्सी तो कम करना है यार साड़ी कमाई है दस्या गुरु ने भी मेहनत करो किरत कमाओ वो तो उस तो कोई कम ही नहीं है पर आ मदद करो जिथे भी किसी नूं लोड़ आ उन्हूं आ वरतो ना वो फुल्लां नूं इस तरीके नाल जो मेरे मूहरे खबरां आ रही है जो मैं देखिया है आ बहुत गल्लां सी मैं अगले क्योंकि टाइम TV ते घट हुंदा ये मैं आने वाले दिनों च फिर ये स्टूडेंट्स बारे गल करूँगा होर गल करूँगा तो इस करके सारे ही गुरद्वारियाँ कमेटियाँ सारे ही मैंबर पार्लीमेंट MLA काउंसलर जिहड़े भी तुसी समाज सेवी हो जिम्मेवारी सांभो साडियां भैणां कुरला रही है असी देख रहे हैं दुनिया एक वो उत्थों जिथे असी सुनहरी सुपने लैन गए सी यार उत्थे की कर लिया तुसी कहो जिहा पंजाब बना लिया असी तो बड़े गलत फहमी च सी उरे भी तुसी बहुत कुछ चंगा कर रहे हो पर आ की हो गया हुण ते मैं इत्थे भी कहना चाहुंदा अपने बच्चियां दे मैं मनदा किसी का बच्चा सिटिया नहीं हुंदा पर जरूर ना बच्चियां तो पैसे मंगाओ पिछे ना उन्हां नूं पढ़न दो कम करन दो ते एक गल जे नहीं पैर पसार हुंदे नहीं गा उन्ना पैसा जां नहीं गा रुक जो कट्ठे करके उन्हां ते जोर ना पाओ वो बच्चियां ते नौजवान नशियां च पैणगे उधरों कम करनगे लड़कियां नशियां च पै के इह जे कम करनगे जिहड़े मैं लड़कियां दे लई बहुत मंदभागी गल आ आपां पंजाब वाले भी इस नूं PR जां मुछ दा सवाल ना बणाईए भेजो जरूर पहलां उत्थे चंगे बंदे देख के जिम्मेवारी ला के किसी की भेजो ये फुल ने इन्हों उस वे सामभण का जोड़ा टाइम मतलब भी सूँ देना चाहिए रोज़ देखो ठीक है उत्थे कानून बड़े आजादाना कानून ने अलग गल हो सकती है पर बहुत फिक्र वाली गल बहुत जागण की गल मैं एक्सटरनल फेयर अपने मिनिस्ट्रीज नाल भी गल करूँगा अंबैसिया भी गल करूँगा बी ये देखने की लौड़ आ कट्ठे हो इस गलते जिन्ना ये चीना कला खुश पंजाबी दे नौते असी सड़क बनाती पंजाबी वाले नौते बोर्ड बनाते असी लैंग्वेज सैकंड कराती वो की कराओगे उतो करा करा के जे साडे साडी जिहड़ी जिहड़ी कराहे पैगी जे PD उहनू की करांगे आपां इस करके ये गल्लां छड के खालिस्तान बनाउण दीआं जिहड़ा पासे नूं तुरे हो दिन गुरू दा हुंदा है उस दिन
गुरु के गुरपुरब वाले दिन कोई इतिहासिक दिन बच्चों सिक्ख्या देनी होंगी है ये चक के एक संतालिया दियाँ फोटो ला के उत्ते नगर कीर्तन कढ़न लग जाते हैं फिर वो मुंडे कुड़ियां बच्चे की सीखणगे वॉयलेंट ही होणगे उन्हां नूं पढ़ लैण दो उन्हां नूं ना लाओ जिन्हों कोई ज़्यादा अग लगी है उरे आ जाओ मार लो गोलियां जिन्हें मारनी आ पर यह बच्चों नूं नगर कीर्तना च इह जिहियां चीज़ां ना सिखाओ गुरद्वारियां च ना वॉयलेंट भाषण करो ना उन्हां नूं ये गुरद्वारे तुसीं कोई ये म्यूजियम ने गुरद्वारे गुरु ने किसे दी गल करन नूं कहा बाणी दी गल करन नूं कहा उत्थे तुसीं भी रोकदे क्यों नहीं लोको जदों इह जिहियां गंदियां गल्लां करदे उत्थे इहदे उत्ते मैं बार विस्तार लाऊंगा पर साडियां धीआं नूं बचा लो ये जिम्मेवारी उत्थे दे बहुत ठीक आ इह च दिक्कतां बड़ियां आउणियां अजकल कहिंदा भी तूं कौन खाम खां ये पर थोनू सियाने बंदियां नूं विच आउणा पऊगा पैणा पऊगा इत्थे बचाउण लई नहीं वह बंदे चुनो ये फैसला करके जिहड़े इस चीज़ां धीआं भैणां नूं साडियां नूं बचाउण बाकी चीज़ां सब चलदियां रहणगियां तुसीं पंजाब दा फिकर ना करिया करो पंजाब बिल्कुल उत्थे ही आ घुग वसदा पंजाब ताज आ साडा असी बचाउण नूं हैगे आ इत्थे फिकर ना करिया करो अपने उत्थे वाले पंजाबियां नूं बचाओ धन्नवाद जो पंजाब की नई पनीरी है उसके लिए बात करी पंजाब के युवक भी अब मलेशिया में फंसे आज वापस आए उन्होंने वहाँ की अपना दुख बयान किया क्या लगता है कि पंजाब की युवा पीढ़ी जो है वो विदेशों में जाती है लेकिन कहीं दूसरे देश में जाकर फंस जाती है और जिसके बाद जुर्माना करना पड़ता है बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो हर दा सुपना है कुदरती गल होगी ये हरियाणा पंजाब ये ज़्यादा इत्थे इनू अपना मतलब नौजवान होंदे ही सुपना बन जाता पर गल एक्शन हो रहा NIA भी कर रही है होर साडियां ये फोर्सिस नूं तकड़े होके जिहड़े ये नकली एजेंट जिहड़े नकली कागज बना के उन्हां नूं गुमराह करके भेजदे पैसे लैके कह देंदे आ कनेडा की फ्लाइट ला देंदे आ जाके इंडोनेशिया ला देंदे आ जाके आ किसे जिहड़ा मलेशिया किते होर सिंगापुर वो चीज़ां देख के पहला अपने परिवार च जे कोई पढ़िया लिखा आ ये ना देखो भी एक सानू एजेंट ने कहता भी दसना नहीं किसी नूं बिल्कुल गलत आ बहुत तरीके सीधे तरीके नाल जानदे भी पर उदों बाद मुल्कां नूं ये जिहड़े बच्चे आ रहे जिहदी तुसीं गल कीती अज नौजवान मुंडे दी जानवर भी वह नहीं सह सकदा जिहड़ा इस बच्चिआं ने इह नौजवानां ने सिहाए जिहड़ा डंकी ला के कहिंदे आ ना जांदे आ उह तां तुसीं पुछो ना इहजे नदियां नाले इहजे जानवरां दा उहनां नूं फेस करना पिआ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਭਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਤਿਹਾਏ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ बड़े सही तरीके ने पर जिहड़ा आ इलीगल तुहानू लैके जांदा भी पहले इत्थे जाना पऊ इत्थे जाना पऊ उहदे रब दे वास ना जाओ जिहड़ा सीधी फ्लाइट राही लैके जांदा है उह तरीके बड़े ने पर जे कोई नहीं उस तरीके नाल जा सकदा तां ना जाओ मूहरे मौत आ मर जाओगे समुंदरां च रेगिस्तानां च उह तुसीं नहीं सह सकदे जो हाल क्रॉस कराउंदे आ उस वेले किश्तियां च समुंदरां च मर जाओगे रेगिस्तान तुरदे तुरदे तिहाए मर जाओगे मरन नालों तां चंगा उरे रहना इस करके ये ना जिहड़े डीलर इहो जिहे फिरदे आ आउण वाले दिनां च होर सख्ती जिहड़ी आ उह पुलिस नूं करनी पएगी कर भी रही आ ते होर टीमां भी जिहड़ियां NIA आ जां होर ऑफिस ने ये बाहर भी बैठे आ इस बार मैं ये भी कहना चाहुंदा मिनिस्ट्री एक्सटरनल अफेयर दी नूं जिन्ने एम्बेसीज नूं कहो बाहर जिहड़े बंदियां तों पता लगदा उह नौ लैंदे आ उहनां नूं उत्थे फड़ो उत्थे फड़ के उहनां नूं सज़ा दवाओ तां सिद्धे होणगे इह